चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक गुजर, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल अशोक रॉयल गुजर में। तो सभी भाइयों से अनुरोध, अपने भाई के चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट, यह आठवीं वीडियो दोस्तों, आठवें भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से गत वर्ष परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, अंत तक देखें दोस्तों, अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे, कौन है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार, तो ये कौन हो जाएंगे, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, सन माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाई थी यह जावा, जावा भाषा का आविष्कार किसने किया था, सन माइक्रोसॉफ्ट ने किया था दोस्तों। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, अपना आंसर सोचें और सही आंसर देखें, अपना आंसर मैच कर लें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कितने इसमें कितने सही थे आपके। तो चलिए देखते हैं क्या सोचा है आपने, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मशीनी भाषा। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी भाषा, मशीनी भाषा, यह प्रथम भाषा ही प्रथम कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है कौन सी है, जावा, ए ऑप्शन हो जाएगा जावा। चलिए और दोस्तों कमेंट करके बताएं आपके कितने में से कितने सही थे, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो किस हेतु लाई जाती है, आपने ऑप्शन सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं, वेब सर्वर, डी ऑप्शन हो जाएगा वेब सर्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, किसे नहीं होती, अपना आंसर सोचिए, किसे नहीं होती, या मशीनी लैंग्वेज को नहीं होती, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉजिकल एरर, क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, यह करती है न्यूमेरिक कोड, बी ऑप्शन हो जाएगा न्यूमेरिक कोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 10 क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, कौन सा हो जाएगा, यह बाइनरी हो जाएगा, बाइनरी कोड में कौन से नंबर यूज में आते हैं, 0 और 1, कौन से 0 और 1 यूज में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो दोस्तों ये कल भी बताया अगली वीडियो में मैंने, तो कौन सा होता है, यह हो जाएगा टीबी हो जाएगा, यानी टेराबाइट, क्या हो जाएगा, टेराबाइट हो जाएगा। तो दोस्तों सभी से अनुरोध है अपने भाई की चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक कमेंट करके बताएं, लाइक किया करो वीडियो है, कोई बगैर लाइक करके नहीं जाएगा दोस्तों, थोड़ी मेहनत करते हैं तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ हमारे भाइयों को बहनों को सभी को सही लग रही है वीडियो, तो थोड़ी लाइक करके बता दिया करें दोस्तों और कमेंट कर दिया करें दोस्तों, थोड़ी मदद करें। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, स्वच्छ रहिए, घर में रहिए अपने में आराम से मस्ती से।